हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट सर्कल। दिल्ली कैपिटल्स एक टीम जो हर इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन में प्रॉमिस दिखाती है, बट वो प्रॉमिस का अल्टीमेटली कुछ हो नहीं पाता। पिछले सीजन भी इस टीम ने परफॉर्मेंसेस में प्रॉमिस दिखाया, पर अल्टीमेटली फिनिश टॉप 4 के बाहर ही किए ये लोग। तो क्या कुछ चेंज हुआ है इस सीजन में और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम इस टीम से, बात करते हैं। इस आईपीएल सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ा चेंज और सबसे बड़ा झटका है उनके कैप्टन ऋषभ पंत का ना होना। ऋषभ पंत का जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से वो ठीक है, अभी रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे, बट क्रिकेटिंग शेप में कब वापस आएंगे, कब फील्ड तक वापस आने के लिए रेडी होंगे वो अभी नहीं पता, और उसमें अभी टाइम भी है। तो ये एक बड़ा होल होने वाला है इंडियन प्रीमियर लीग सीजन में इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए। कैप्टन उन्होंने डेविड वार्नर को चूज किया है रिप्लेसमेंट के लिए, पर कैप्टन के अलावा जो एक विकेट कीपिंग बैट्समैन का स्लॉट है वो बहुत बड़ा एक होल होने वाला है, बहुत बड़ा एक गैप होने वाला है इस टीम के लिए, क्योंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है नहीं टीम में। अगर बात करें तो सरफराज खान है जो कि रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, फिल सॉल्ट है, पर अगर फिल सॉल्ट को आप खिलाते हो तो एक ओवरसीज स्लॉट आपका भर जाता है, तो ये एक कंफ्यूजन रहेगा इस टीम के लिए। उसके अलावा मेजर चेंजेस नहीं है। स्क्वाड की तरफ देखें तो अमन खान और मुकेश कुमार, ये दो प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स को ऐड किया है टीम ने, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं इस अपने पहले आईपीएल सीजन में। इस बड़े स्टेज पे अगर चांसेस मिलते हैं तो करते हैं इनका फटाफट से एक स्क्वाड एनालिसिस। स्क्वाड इस टीम का काफी हद तक सेम है, शार्दुल ठाकुर को जाने दिया है, ईशांत शर्मा और मनीष पांडे का एक्सपीरियंस ऐड किया है, तो ओवरऑल इनका स्ट्रेंथ्स वगैरह भी काफी हद तक सिमिलर है। स्ट्रेंथ्स में देखें तो इनका भी टॉप 3 बहुत स्ट्रांग है। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ पिछले साल के मेरे ख्याल से सबसे डेंजरस ओपनिंग कॉम्बिनेशन थे। उसके बाद आते हैं मिचेल मार्श, जो कि अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में भी हमने देखा किस तरह से वो तोड़ते हैं पावर प्ले में बॉलर्स को। तो ये टॉप 3 बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। उसके अलावा फिर आपके बैटिंग ऑप्शंस अच्छे हैं टू बी वेरी फेयर। सरफराज खान है, रॉबिन पावल है, रायली रूसो है, ये सारे एक अच्छा पावर पैक्ड यूनिट बन सकते हैं, पोटेंशियल है इस टीम के पास। फिर आता है स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। जो हमने राजस्थान रॉयल्स की बात की थी, अश्विन और चहल, यहाँ पे पटेल और यादव का है। ये एक बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि ये दोनों किस तरह से मिडिल ओवर्स में कंट्रोल करते हैं गेम को, एंड बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी दिल्ली कैपिटल्स इन दोनों की परफॉर्मेंस पे इस साल में। अक्षर पटेल की बैटिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई पिछले 1-1.5 साल में, तो वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम के लिए। वीकनेस इस टीम की, जैसे हमने पहले भी बात की, सबसे बड़ी वीकनेस होने वाली है विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट। सरफराज खान का नाम आ रहा है काफी, उन्होंने हमने फोटोज भी देखी है उनकी कि कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग में विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेगुलर विकेट कीपर नहीं है वो, ऐसे में स्पेशली अगर आप स्पिन पे इतना रिलाई करते हो तो आपको एक रेगुलर विकेट कीपर पर रिलाई करना चाहिए एंड करना पड़ता है जनरली। फिल सॉल्ट है, वो भी आईपीएल में उतना ज्यादा प्रूवन नहीं है एक तो, उसके अलावा अगर आप उनको खिलाते हो तो आप रायली रूसो या रॉबिन पावल को नहीं खिला सकते हो, तो वहां पे एक बैटिंग में थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन की एक थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, तो ये एक थोड़ा सा वीकनेस रहेगा इस टीम के लिए। अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करूं, पृथ्वी शॉ और सरफराज खान पिछले कुछ टाइम से बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, इनको नेशनल टीम में पिक नहीं किया जा रहा फॉर व्हाटएवर रीजंस, पर ये एक और अपॉर्चुनिटी है इन दोनों के पास। पृथ्वी शॉ के पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ईशान किशन का अभी उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है पिछला कुछ टाइम से। अगर इन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर दिया तो वो और ज्यादा प्रेशर डालेंगे अपना स्लॉट बुक करने के लिए, ओपनिंग स्लॉट अपना बुक करने के लिए इंडियन टीम में, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अपॉर्चुनिटी है कैप्टन डेविड वार्नर के पास। डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 2016 में टाइटल जिताया था, उसके बाद से उतना ज्यादा अच्छा फॉर्चून नहीं रहा उनका एज कैप्टन, बट एज प्लेयर आईपीएल में वो एक लेजेंडरी स्टेटस पे हैं ऑलरेडी, एंड चाहते होंगे कि टुवर्ड द एंड है अपने करियर के तो दिल्ली कैपिटल्स को टाइटल तक ले जाए, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके पास। थ्रेट्स की बात करें, सबसे बड़ा एक थ्रेट होने वाला है इस टीम के लिए एक लॉजिस्टिकल चैलेंज। ये टीम इकलौती टीम है दिल्ली कैपिटल्स की जो कोई भी दो मैच लगातार अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हैं इस आईपीएल सीजन में। बाकी सबका ऐसा है, बाकी सारी टीम का ऐसा है, 2-3 मैच तो लगातार हैं बीच बीच में। दिल्ली कैपिटल्स का सारा ऐसा है, होम अवे, एंड ट्रैवल काफी ज्यादा एक टोल लेके जाता है, एक बर्डन बन जाता है आफ्टर अ पॉइंट इस टाइप के टूर्नामेंट में, जहां पे आपके क्विक टर्न अराउंड टाइम है, जल्दी जल्दी मैचेस होते हैं। पिछले 2-3 साल में आदत भी नहीं है प्लेयर्स को इतना ज्यादा ट्रैवल करने की, क्योंकि सारा जो आईपीएल था वो 2-3 वेन्यूज में ही कंसंट्रेटेड था। तो वो एक चैलेंज होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए फॉर श्योर। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर उतना ज्यादा प्रूवन नहीं है, उतना ज्यादा शायद अभी रिलायबल नहीं है, तो वो एक कंसर्न हो सकता है कि अगर टॉप 3 में से कोई 2 ने भी ढंग से फायर नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर पे आपको रिलाय करना पड़ेगा और वो उतना ज्यादा डिपेंडेबल शायद नहीं है अभी ऑन पेपर। फिर आता है आपका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, जो कि इंजरीज से थोड़ा सा एक कंसर्न बन सकता है। आनरिक नॉर्टजे बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत ज्यादा रिलाई करेगी उन पे टीम, पर उनका फिटनेस रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। अगर तो पूरा टूर्नामेंट फिट रह जाते हैं तो वो बढ़िया खेल के देंगे टीम को, पर जहां भी अगर फिटनेस थोड़ी सी डामाडोल होती है तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा आपके खलील अहमद हैं, चेतन सकारिया हैं। खलील अहमद भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, वो भी काफी इंजरी प्रोन रहते हैं। फास्ट बॉलिंग है डेप्थ, पर जितनी चाहिए, जितना एक्सप्लोसिवनेस चाहिए उतना शायद नहीं है, एंड इंजरीज एक कंसर्न है इस डिपार्टमेंट के। लाइकली 11 डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ ओपनिंग कॉम्बो सेट है। फिर आते हैं आपके मिच मार्श 3rd नंबर पे। फिर नंबर 4 पे आपका थोड़ा सा डिबेट बन सकता है कि यार यश धूल को खिलाएं या मनीष पांडे के एक्सपीरियंस को। चांसेस ज्यादा है कि यश धूल को एटलीस्ट टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में चांसेस मिलेंगे। फिर आते हैं आपके सरफराज खान, रॉबिन पावल की जगह आप रायली रूसो खिलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। अक्षर पटेल है इकलौते ऑलराउंडर इस टाइम पे, मिच मार्श अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं उतनी। अक्षर पटेल के बाद आपके आगे कुलदीप यादव, खलील अहमद, आनरिक नॉर्टजे और मुकेश कुमार। अच्छा यूनिट दिख रहा है फॉर श्योर। कमियां हैं थोड़ी सी, और वो इम्पैक्ट सबसे ये लोग भर सकते हैं। इम्पैक्ट सब्स में इनके पास ऑप्शंस हैं। इम्पैक्ट सब्स में अगर आप देखो तो ईशान शर्मा का एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो, चेतन सकारिया का गाइल यूज कर सकते हो, आप नए अमन खान को यूज कर सकते हो। बैटिंग में अगर आपने मनीष पांडे को नहीं खिलाया 11 में तो आप उनको यूज कर सकते हो। इनके पास इंडियन बैट्समैन और बॉलर्स हैं, ललित यादव भी हैं इनके पास एज एन ऑप्शन। इम्पैक्ट सब्स का ये टीम एक्चुअली बेटर यूज कर सकती है काफी ज्यादा टीम्स के मुकाबले। की प्लेयर्स टॉप 3, स्पिन बॉलिंग डुओ और आनरिक नॉर्टजे, इन सब के परफॉर्मेंसेस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और इनमें से अगर 5 लोग भी बढ़िया परफॉर्म कर गए तो ये टीम बहुत आगे जाएगी। बट अगर चांसेस की बात करूं एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी बैठ के एटलीस्ट, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मैच नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अभी बैठ के देखने में चांसेस थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं इनके टॉप 4। आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स कहाँ पहुंचेगी इस सीजन में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और क्या इनकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस रह सकती हैं वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो और शेयर करो अपने जानने वालों के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस सीरीज के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम से, एंड बाकी भी स्पोर्टिंग कॉन्टेंट इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड आपको मिलता रहे टाइम से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।